साथियों, आज देश में सरकार चलाने के दो अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। अगर हम हिमाचल में ही देखें तो आज पहला मॉडल, जिस मॉडल को हम लेकर के आपके पास आए, वह मॉडल पूरी शक्ति से राज्य के विकास में जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली है। यहां जो सरकार में है वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान हिमाचल के एक एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले इसमें लगाया है। और मुझे एक बार वर्चुअली इस काम में जुटे लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला था, बड़ा प्रेरक, एक एक की बात इतनी प्रेरक थी। भाइयों बहनों, हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी कष्ट उठा करके भी सबने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा सेवा भाव, लोगों के प्रति दायित्व का एहसास है। यहां सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रही है। ये दिखाता है कि हिमाचल सरकार को लोगों की, गरीबों की कितनी चिंता है। साथियों, आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। बेटा बेटी एक समान, हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा तालियां हमारी बहनें बजा रही है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएगी। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है।
मैं जरा चाहूंगा देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है।